से खाना नहीं खाते, बच्चे चिड़चिड़ापन हो जाते, नहाने से सब दूर हो जाता, बच्चा कितना भी दुबला पतला हो इसी पानी में चमत्कार है। बहुत प्राचीन मंदिर है, अंजनी माता की कृपा से वो स्वस्थ हो जाते हैं, बालाजी को नमन कर सकते, कोई संतान नहीं होती है। माँ अंजनी माता की दर्शन आप करिए। हेलो दोस्तों, कैसी हो आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। एक नए वीडियो के साथ आज वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और जैसे कि आज रविवार है और आज रविवार को सुबह 10 बज रहा है, तो मैं आज आप लोगों को लेके आया हूँ एक नई लोकेशन पर, एक नई वीडियो के साथ, एक नई दरबार में। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा और आप लोगों को दिखाते हैं एक नया दरबार, चमत्कारी दरबार। तो हमारे पीछे आप रोड देख पा रहे हैं, ये मेहरौनी की ओर से आता है और इस साइड अगर आप देखोगे ये मड़ावरा की साइड से आता है। तो ये बढ़िया रोड है, डबल लाइन का रोड है, ललितपुर की ओर से भी आप आ सकते हो। और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ा गेट, ये माँ अंजनी माता का दरबार का गेट है, मंदिर का गेट है। और आप लोगों को आज मैं दर्शन कराऊंगा माँ अंजनी माता का, तो आप हमारे साथ बने रहिए, ले चलते हैं आपको माँ अंजनी माता दरबार। और काफ़ी बड़ा गेट है आप देख सकते हैं, तो इस गेट से एंट्री कराते हैं आपको, ले चलते हैं। गेट से एंट्री कर अंदर की ओर बढ़ चले और आप लोगों को ले चलते हैं एक ऐसा चमत्कारी दरबार, और उस दरबार पर जाकर ही आप लोगों को बताएंगे इस दरबार का खासियत क्या है। दोस्तों हम चलकर 3 से 4 किलोमीटर रोड से अंदर आ चुके हैं। अंदर आते ही मुझे दूसरा गेट दिखा, ये देखिए ये दूसरा गेट है। और दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर आप इस साइड जाओगे, यहाँ गाँव पड़ता है कुमेड़ी गाँव, थोड़े ही आगे एक गाँव है कुमेड़ी गाँव, और हम आए हैं इस तरफ से, ये छोटा जो रास्ता आप देख पा रहे हैं इस तरफ से। मैं आपको वो दूसरा द्वार दिखाऊंगा, माँ अंजनी धाम का दूसरा द्वार आप लोगों को दिखाता हूँ। द्वार देखिए आप दोस्तों, ये द्वार देखकर ही आप समझ सकते हो कितना भव्य दर्शन होगा, कितना भव्य नज़ारा होगा, कितना भव्य इनका महिमा होगा। तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, मैं जो भी दिखाता हूँ आपको हकीकत दिखाता हूँ। और आज का जो हकीकत होगा, आज हमारे परिवार में दोस्तों हर घर में 1 से 2 बच्चे होते हैं, और उस बच्चे को अगर कोई परेशानी होता है तो इस मंदिर पर और माँ अंजनी माँ दरबार पर क्या उनका लाभ मिलता है, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों मंदिर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप देखिए यहाँ पर देखिए कितने पैमाने में बच्चों की कपड़ा आपको देखने को मिलता है। इस मंदिर का जो खासियत है, मंदिर जाने से पहले मुझे ये हैंडपम्प जो है पर देखने को मिला, और यहाँ पर देख सकते हो ये नहर है, जो किसान इस नहर की पानी से खेत की सिंचाई करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी संख्या में यहाँ पर कपड़ा पड़ी हुई है, तो ये बच्चों की कपड़ा है। और देख सकते हो इस साइड भी काफ़ी कपड़े पड़े हुए हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, मंदिर जाने से पहले, अभी हम मंदिर प्रांगण में नहीं पहुँचे, माँ अंजनी धाम तक नहीं पहुँचे, और आप लोगों को मंदिर जाने से पहले एक हैंडपम्प पड़ता है जहाँ पर बच्चों को यहाँ पर नहलाया जाता। अच्छा, यहाँ पर नहला से क्या फ़ायदा होता है बच्चों को, वो भी हम आपको आगे जाकर बताएंगे। तो आपको ले चलते हैं, सामने दिख रहा है मंदिर, काफ़ी भीड़ नज़र आ रहा है, आपको दिखाते हैं मंदिर प्रांगण में ले चलते हैं। दोस्तों देख सकते हो जैसे ही हम मंदिर प्रांगण में और बढ़ते चले जा रहे, यह वाहन का हुजूम लगा है, कितने पैमाने में यहाँ पर पार्किंग होता है आप देख के समझ सकते हो। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ पर कितने पैमाने में यहाँ पर बच्चों को जो कपड़ा होता है, पुराना कपड़ा वो फेंकी हुई है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं वो सच्चे मन से, अगर इस मंदिर में आप देख सकते हो, मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ दोस्तों, काफ़ी संख्या में यहाँ पर बच्चों की जो कपड़ा है यहाँ पर फेंका जाता है। अच्छा, इतना कपड़ा यहाँ पर क्यों फेंका जाता है, इसका भी कोई महत्व है। तो ज़रूर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजिए, ऐसे वीडियो जो दोस्तों अगर आप शेयर करोगे, हो सके किसी दुखियारी माँ की बच्चे के फ़ायदा हो सके। आप सुरेश के ब्लॉग चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं माँ अंजनी माता का जो धाम है, इस धाम से मैं लाइव आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजिए। आज देखिए यहाँ पर कितने पैमाने में घर के माता और बहनें और जो अपने बच्चों को लेकर मंदिर में आते हैं, क्यों आते हैं, तो मैं आज दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में दुकान भी लगी हुई है दोस्तों, और यहाँ जो वाहन है आप देख सकते हो काफ़ी संख्या में यहाँ पर वाहन है। जैसे हम मंदिर प्रांगण में पहुँचे तो यहाँ पर एक दादाजी दुकान लगाए हुए है, और दादाजी काफ़ी उम्र के लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगा
70 साल की है, तो मुझे ऐसा लगा कि इस मंदिर की जो विशेषता है दादाजी हमें अच्छी से बता पाएंगे। तो मैं दादाजी से पूछना चाहूँगा कि इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए जी। बच्चे लेकर आते हैं जो कमजोर हो जाता है, नज़र डीप लग जाती है, तो यहाँ अंजनी माता ने नहलाने के बाद वो बच्चा सही हो जाता है। अच्छा, इसकी एक खास तौर से अच्छा। खास तौर इसकी जो है, और जो भी यहाँ पर 36 रोग यानी थोड़ा बहुत बताइए दादाजी कैसा कुछ रोग और जैसे क्या क्या रोग हमने बता तो दिया 36 रोग यहाँ पर जो है ठीक हो जाते तो हैं। कुछ रोग अगर आप बता पाते हैं तो क्या क्या थोड़ा सा? अरे जैसे लकवा है, बुखार मुखार है, नजर है, सुखी है, ये ऐसे रोग जो है दूर हो जाते हैं। दूर हो जाते हैं सच्चे मन से आते हैं। हाँ, जो सच्चे मन से यहाँ आता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने दादाजी से सुना, यहाँ पर 36 प्रकार की रोग खत्म हो जाती है। तो 36 प्रकार की रोगों में बहुत सारे बीमारी ऐसे आ सकता है। और दोस्तों मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं, कहा जाता है जब हमारे घर के बच्चे बीमार हो जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि भाई हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हमारे बच्चे जब भूख लगते हैं, खाना नहीं खाते, बच्चे चिड़चिड़ापन हो जाते हैं और बच्चे को भूख ना लगना और कई प्रकार की ऐसी बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर तक नहीं समझ पाते। तो दोस्तों आज हम ऐसे दरबार पर आपको लेके आया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हर ऐसा कोई घर नहीं है दोस्तों जहाँ पर 1, 2, 4 बच्चे नहीं होते। हमारे पूरे भारत में दोस्तों ऐसे परंपरा बहुत ज़्यादा है कि दोस्तों बच्चों को लेकर हम लोग ज़्यादा चिंतित रहते। तो आप लोगों को आज ऐसे धाम पर लेकर आया माँ अंजनी माता धाम, जहाँ पर देखा सकते हो कि कितनी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर है और घर के बच्चे बूढ़े सभी यहाँ आते हैं। कहा जाता है इस मंदिर में रविवार 4 से 5 रविवार अगर आते हो, बच्चों को नहलाते हो या खुद नहाते हो तो आपकी शरीर की 36 प्रकार की रोग खत्म हो सकता है। दोस्तों शायद आप नहीं मानोगे हमारा बात, लेकिन मैं यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं, मैं उन लोगों से आज बारी बारी से आप लोगों की बातें करूँगा कि वो क्यों आते हैं। और यहाँ माँ अंजनी माता का जो खासियत है आपको लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा ग्रुप में भेजना। आप और आगे चलिए आइए, आप कहाँ से हो? हमें यहीं अगोरा से। अगोरा से जी। तो कब आए हैं मंदिर में? अभी आधा घंटा हुआ है। तो कब से पता है आपको मंदिर के बारे में? जब से हमारा जन्म हुआ उसके 5 साल बाद से। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा बता पाएंगे कि आप क्या मनोकामना लेकर आए? क्या यही बच्चों को नज़र वगैरह लग जाती है, यहाँ से नहाने से सब दूर हो जाता है, कमजोरी वगैरह ठीक हो जाती है जी। तो आप बहुत दिनों से आ रहे हैं? बहुत दिनों से। तो जो हमारा वीडियो देखेगा उनको क्या कहना चाहोगे? आपको तो बहुत विश्वास होगा और आप बहुत दिनों से आ रहे हैं। यही कहेंगे कि हमारी श्रद्धा और जन्म के 5 साल बाद से जब से होश आता है, सभी लोग आएं और अपने बच्चों को लेकर आएं और अंजनी माता के दर्शन करने आएं सभी लोग। बिल्कुल आराम मिल जाता है? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद भैया आपको बात करने के लिए। थोड़ा सा आपसे बात करूंगा कि मंदिर की विशेषता के बारे में आप ज़्यादा बता पाएंगे। जी जी, थोड़ा सा बताइए कि मंदिर की बहुत अच्छी विशेषता है। मतलब मैं कौन भी मनोकामना हुए यहाँ अच्छा। केवल आ जाओ, बच्चा कितना भी दुबला पतला हो यहाँ पर बिल्कुल सुखी लगी हो, बच्चों की विशेष कृपा है माता अच्छा, बच्चों की बच्चों पर इतनी विशेष कृपा है कि मतलब मैं इतने दुबले पतले बच्चे आते हैं कि मतलब 1-1 किलो का वजन रहता है उनका। केवल इतवार रविवार और बुधवार के लिए नहा दो केवल आप अच्छा। नहा दो तो जो समझो कि उनको 8 दिन में 2 किलो वजन बढ़ जाता है बच्चों अच्छा, 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 बिल्कुल कम से कम बिलो 100 में 100% है आप अच्छा। आप कहीं भी पूछ लो, इतना दे छोटे छोटे बच्चे नहा रहे, मतलब इतवार बुधवार सुबह 5 बजे से भीड़ हो जाती है, शाम तक भीड़ चलती है यहाँ पर। हाँ, कैसे भी परेशानी हो बच्चों के लिए। सुना है कि 36 प्रकार की रोग खत्म। हाँ, कई भी रोग हो, खुजली मुजली कछु भी हो, मतलब केवल नहा दो केवल, और कोई ना झाड़ा ना फूकी कुछ नहीं चलता है। ना कोई पैसा लगता ना कोई पैसा लगता है कुछ नहीं, जिसको जो करना हो पड़ी सिद्धा के साथ करो, ना कोई झाड़ा फूकी होती है, कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई झाड़ने वाला नहीं है और ना कोई आपसे पैसा मांगने वाला है। और दोस्तों हमारे चैनल पर आप देखते हो ऐसे सैकड़ों मैंने दरबार का वीडियो इस चैनल पर डाला। और दोस्तों यहाँ माँ अंजनी माता मंदिर में और दरबार में और धाम पर आने का एक ही मकसद है, हमारे घर में हर घर में 2-2 4 बच्चे होते हैं और जब वो बीमार पड़ते हैं हमें समझ में नहीं आता कि ये कौन से बीमारी है ना, सूखी लग जाता है दोस्तों, वजन कम हो जाता है। तो यह बताया जाता है अगर आपके बच्चे के शरीर में 1-2 किलो वजन है
और बहुत ज़्यादा वजन घट रहा है। आप अगर सच्ची मन से माँ अंजनी माता की दरबार पर आते हो, यह नल में जो पानी निकल रहा है इस पानी से नहला देते हो तो बच्चे की बच्चे ठीक हो जाते हैं और बच्चे की वजन बढ़ जाता है। तो मैं कुछ लोगों से जरूर आप लोगों को बातें कराऊंगा। भाई आपने यहाँ पर नहाया जी, कहाँ से हो आप? समोंगर से। समोंगर से जी। कब से आ रहे हैं मंदिर में? काफी साल से जी। और आराम मिलता है यहाँ पर? हाँ। क्या क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर बच्चों को नहाया जाता है, बच्चों को नहाने से उनकी बीमारी जो रोग दूर हो जाते, नजर वगैरह जो ठीक हो जाती है, ये सब दूर हो जाती है। तो दोस्तों अभी तक जितने भी आप लोगों ने वीडियो देखा, मैं माँ अंजनी माता की दर्शन भी एंड में कराऊंगा इसी वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हो ये जो हेटपम्प लगी है चमत्कार इसी पानी में है। ये जो पानी इस नल पे से निकलता है इसी पानी में चमत्कार है दोस्तों। माँ का कृपा है और इस धाम का कृपा है। आप आबार यहाँ पर देखोगे दोस्तों, मैं जरूर कहना चाहता हूँ। भाई आप कहाँ से हो? धवारी। क्या बच्चों को लेकर आए आप? हाँ। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? हम तो आए अभी पहली बार। हाँ। तो आपने ये भी तो सुना होगा कि यहाँ लोग आते हैं। हाँ। तो क्या मनोकामना लेकर आते, क्या हो जाता है ये बता सकते हो थोड़ा सा? क्या कृपा होती है माँ की और बच्चों की बीमारी खत्म हो जाती है। बीमारी भी खत्म हो जाती है। चलो बढ़िया। दोस्तों यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जब किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो जाती, देखिए ये बिटिया, तो किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो जाते है तो इस भाई आप कहाँ से आए? मैं कुंडेश्वर से। कुंडेश्वर? हाँ जी। तो कब आए थे इस मंदिर पे आप? मैं तो हर साल आता हूँ। और आपको आराम मिल जाता है? हाँ। क्या आराम मिलता है बता सकते हो थोड़ा सा? आराम रहता है। अच्छा। चिड़चिड़ापन हो जाता है, बच्चों को रोते हैं बार बार इस तरीके की। अच्छा आप बताइए थोड़ा सा। सुखी रोग बच्चे सूखने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, वो ठीक हो जाता है? वो ठीक होते हैं यहाँ से। और भी जो बीमारी होती है वो भी ठीक हो जाती है इनकी कृपा से। बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ धाम बहुत बड़ा है, माता का धाम है। भाई थोड़ा सा कैमरा उस तरफ करके दिखाओ। देखिए दोस्तों यहाँ से अगर आप देखोगे काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, जो गाड़ी वाहन मोटरसाइकिल फोर व्हीलर तक यहाँ पर कितने पैमाने आते हैं। दादा आप कहाँ से हो? हम मिंदरवा से। मिंदरवा से। मंदिर में कब आए थे आप? हम आज ही। हाँ अभी आए। और क्या विशेषता है मंदिर की बता सकते? अरे यहाँ बहुत विशेषता है, रूप बच्चों के रूप दो खास तौर से बच्चों के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। सभी के लिए है वो, सभी के लिए। हाँ। बड़े बूढ़े सभी अगर यहाँ पर नहाते हैं उनकी रोग धोक दूर हो जाते। सुना है कि खाज खुजली दाद वगैरह अगर कुछ भी हो जाता है यहाँ पर ठीक हो जाता है। हाँ। तो दोस्तों हम लोगों से लाइव बातें कराते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बताता हूँ और आप लोग सुनते हो। तो मैं यहाँ जो लोग आते हैं, जो माताएं हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। आप आइए थोड़ा सा। अंकल जी आप कहाँ से हो? बारून से हैं। बारून से। तो थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताएंगे, जो बच्चों हमें काफ़ी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं नहाते हुए, बड़े भी यहाँ पर नहाते हुए देख रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा साइड करो, बड़े भी यहाँ पर नहाते हुए देख रहे हैं। मैंने सुना यहाँ पर बच्चे नहाते, लेकिन यहाँ आकर देखा कि बड़े बूढ़े सभी यहाँ आकर नहाते। और तो इसके बारे में थोड़ा सा आप शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा। यहाँ पर जिस बच्चे को सुखी लगी होती है, जिसको बोलते हैं कमजोरी, मतलब बहुत जो कमजोर बच्चे होते हैं या जिनको नजर लगी होती है, अच्छा, तो उनके लिए यहाँ पर नहलाने से अंजनी माता की कृपा से वो स्वस्थ हो जाते हैं। एक बार की घटना तो ऐसी भी है कि यहाँ पर बच्चे को वो नहाने के लिए ले आए, वो बच्चा मर गया। अच्छा। लेकिन माता रानी की कृपा से वो कुछ समय बाद स्वस्थ भी हो गया, यहाँ से खुश होके गए। हाँ, मतलब ये प्राचीन मंदिर इतना है कि मुझे भी ध्यान नहीं है मंदिर कब का है। पहले यहाँ पर एक छोटी सी माता है, अंजनी माता। हाँ, यहाँ पर हनुमान जी की माता जी है। ये बहुत दूर दूर से, भोपाल से, इंदौर से, जबलपुर से, काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो दोस्तों मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अंकल जी से बात करके पता चला एक बार की ऐसी बात हुआ कि यहाँ आने के बाद एक बच्चा एक्सपायर हो गया था, लेकिन माता की दरबार में ले जाने के बाद उस बच्चे की जान आ जाती है या बच्चा बच जाता है। तो यहाँ आने के बाद एक पता और चला दोस्तों, क्या भोपाल से, इंदौर से, उज्जैन से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो आप लोगों को इस मंदिर पे आने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा पता लिख दूंगा, पूरा पता आपको मिल जाएगा कैसे कैसे आना पड़ेगा। तो मैं ये भी अभी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ आप कैसे आ सकते हो। दोस्तों माँ अंजनी धाम कुमेड़ी गाँव में पड़ता है और दोस्तों यहाँ आने के लिए आपको
सबसे पहले नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन पड़ता है, अगर आप इंदौर से आना चाहते हो, भोपाल से आना चाहते हो, दिल्ली से आना चाहते हो, लखनऊ से आना चाहते हो, कहीं से भी आना चाहते हो, सागर से आना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन यहाँ पड़ता है ललितपुर, ललितपुर रेलवे स्टेशन आइए। ललितपुर आप बाई ट्रेन से आ सकते हो, बाई बस से आ सकते हो, और दोस्तों अगर आप बाई एयर आना चाहते हो तो आपको ग्वालियर आना पड़ेगा। तो जैसे बाई ट्रेन आप आते हो, बाई बस आप आते हो, तो ललितपुर आइए। ललितपुर से मेहरुनी जो टीकमगढ़ मार्ग में पड़ता है, मेहरुनी, मेहरुनी तहसील है, ललितपुर से चलकर आप बस से भी आ सकते हो और अपना प्राइवेट गाड़ी लेकर भी आ सकते हो मेहरुनी। मेहरुनी से आपको चलकर मड़ावरा वाला जो रोड है उसमें आना पड़ेगा। मेहरुनी से 7 किलोमीटर पड़ता है छावन गांव, वो छावन गांव से पूरब की तरफ लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा गेट देखेगा, जो इस वीडियो में मैंने वो गेट भी आपको दिया। उस गेट के अंदर से जैसे ही कितने किलोमीटर आना पड़ेगा, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अंदर आओगे तो एक कुमेड़ी गांव पड़ता है, वहीं पर है माँ अंजनी धाम, माँ अंजनी माता का दरबार। तो दोस्तों वीडियो अच्छे से देखा करो, पूरा देखा करो, इसी में सब कुछ बताते। आप लोग बार बार कमेंट करते हो फलाना दरबार में जाना है, उस दरबार में जाना है, आप पता बताइए, आप हमें मैसेज करते हो, तो वीडियो पूरा देखा करो और पूरा देख के समझा करो, इसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। चैत्र मास की पूर्णिमा को यहाँ पर 8 दिन के लिए दोस्तों पूरे जो क्षेत्र है, आप यहाँ पर खेत खलियान देख रहे हैं ना, यहाँ पर मेला लगता है 8 दिन के लिए, और देश दुनिया से इस मेला को देखने के लिए लोग आते हैं। तो आइए थोड़ा सा और लोगों से बात कराते हैं आपको। भाई मंदिर में काफी ज्यादा यहाँ पर दुकानें लगी हुई आप देख सकते हो, और आज ही आए? हाँ अभी। और मंदिर के बारे में कब से पता है आपको? मंदिर के बारे में बहुत टाइम से पता है, क्योंकि हम यही पास के ही हैं। अच्छा हाँ। तो क्या विशेषता है मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हो? यही बच्चों को टहलाने के लिए आते हैं सब लोग, ऐसे नजर नजर लगती है बच्चों को, और भी जो परेशानी है, फीवर वीवर आ रहा है, तबीयत खराब रहती है, तो उनको नहलाते हैं तो उनसे आराम होता है, ठीक हो जाता है। हाँ तो आप क्या कहना चाहोगे थोड़ा सा बच्चे जो और भी माँ देख रही है वीडियो? तो यही कि सबकी आस्था है, सब लोग विश्वास करते हैं, इसलिए नहलाने आते हैं बच्चों को, सब लोग आए। और आपको विश्वास है ना? हाँ, हम छोटा बच्चा भी, ये लड़का बड़ा हो गया, इसको भी हम शुरू से ही लेके आ रहे हैं, शुरू से लेके आ रहे हैं। देखिए ये 10-11 साल का बच्चा है, और भाभी जी का कहना है कि छोटे उम्र से ही इनको लेकर आते हैं और नहाते हैं, और यहाँ नहलाने से बच्चों की सारी परेशानी दूर। देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे हमें देखे दोस्तों, ये माँ अंजनी माता दरबार है आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी दिव्य दरबार है। मैं आपको आगे और ले चलता हूँ, आपको आगे लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ दिव्य दरबार के बारे में, आपको ले चलता हूँ। दोस्तों सबसे पहले माँ अंजनी माँ जो मंदिर है, जो दरबार है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये माँ अंजनी माता दरबार है, कुमेड़ी गाँव में पड़ता है, ललितपुर जिला, स्टेट है उत्तर प्रदेश, तहसील है मेहरुनी, मेहरुनी से 4 किलोमीटर अंदर सान गांव से आना पड़ता है कुमेड़ी गांव, कुमेड़ी गांव में ये मंदिर पड़ता है। आपको हम ले चलते हैं मंदिर की ओर। आप यहां से देखोगे काफ़ी संख्या में यहां पर दुकानें लगी हुई है, और दुकान की विशेषता देखो दोस्तों, देखकर ही समझ सकते हो यहां पर कितने पैमाने में लोग आते हैं। दोस्तों सबसे पहले जैसे ही हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो घंटी मिलते हैं हमें, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो दिव्य बालाजी दर्शन, मंदिर प्रांगण में आते ही मुझे दिव्य बालाजी का दर्शन होते हैं। दोस्तों आप जहाँ भी हो वहीं से बालाजी को नमन कर सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, ऐसे वीडियो ज़रूर शेयर करो। और मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए मंदिर की लेफ्ट साइड में कितने संख्या में यहाँ पर बच्चे आते हैं। यहाँ पर जो कपड़ा वगैरह, यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या पे यहाँ पर कपड़ा फेंका हुए आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और ये है मंदिर का विशेषता दोस्तों, देख सकते हो ये मंदिर है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ होते हैं, लोग आते हैं और मंदिर प्रांगण में प्रसाद चढ़ाते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, मंदिर की पैर छूते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर अंदर जाते हैं। माँ अंजनी माँ का दर्शन कराऊँगा, और मैं भी यहाँ पर अपना मस्तक झुकाऊँगा, थोड़ा सा आपको अंदर ले चलते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ही नज़दीकी से माता की दर्शन कराना चाहता हूँ, आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन करिए। मैं आपको लेकर आया माँ अंजनी माँ दरबार, जहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर दोस्तों मुझे बच्चे मिले, माताएं मिले, और घर के बुजुर्ग मिले, घर के सदस्य मिले, जो एक परिवार में 4-4 बच्चा होता है, और माँ अंजनी दरबार पर आने से मात्र ही उस बच्चे की
शरीर में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो, सुखी का बीमारी हो जाता है, बच्चा सूख जाता है, पता नहीं चलता। अच्छा, जिसका पुजारी जी बताएंगे थोड़ा सा विशेषता। जिसकी यहाँ कोई संतान नहीं होती है तो माता के दरबार में हल्दी की उल्टी हाथ लगाए जाते हैं। और यहाँ तो बुधवार यहाँ नहाने से बच्चों के रोग दूर हो जाते हैं। कोई चर्म रोग हो, कोई भी शरीर गला हो या कोई बुखार हो, और कोई पुराने जो कपड़े हैं वो यहाँ डाले जाते हैं। और चैत्य मेला होता है हनुमान जी के समय, जो हनुमान जी। दोस्तों, इस मंदिर का विशेषता है, कहा जाता है जो भी आप कपड़ा लेकर आते हो घर से और बच्चों को जिस कपड़ा को पहना कर नहाया जाता है उस कपड़ा को यहाँ पर फेंक दिया जाता है, यहाँ पर मतलब मंदिर प्रांगण में ही छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कपड़ा छोड़ने से, नहाने से बच्चों की रोग इसी जगह पर रुक जाता है, बच्चा सुरक्षित घर पहुंच जाता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों, आज का जो वीडियो हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थोड़ा सा नज़दीक आइए, माँ के दर्शन कराइए। दोस्तों, मैं आपको माँ अंजनी माता की दर्शन आपको कराना चाहता हूँ। दोस्तों, माँ अंजनी माता की दर्शन आप करिए। और देखिए, ये कुमेड़ी गाँव में स्थित है और भव्य दर्शन, दोस्तों जहाँ भी हो वहीं से आप माता जी को प्रणाम कर सकते हो, माता जी का दर्शन आप कर सकते हो। तो ये माँ अंजनी माता का दरबार है दोस्तों, देख सकते हो काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्राचीन है। आप इस मंदिर में आकर आप अपनी मनोकामना पूरा कर सकते हो। कहा जाता है बहुत प्राचीन है और ये भी मान्यता है, इस मंदिर पर अगर कोई माँ बहन आते हैं और उनको बच्चा नहीं होता है तो इस मंदिर में आकर हल्दी की उल्टा वाला हाथ, जो हल्दी में छबा कर हल्दी लगा कर उल्टा वाला हाथ इस मंदिर प्रांगण में लगाना पड़ता है। और अगर उनकी मनोकामना पूरा होता है तो आप फिर कभी आकर यहाँ पर सीधी हाथ लगा सकते हो। तो ये मंदिर प्रांगण का जो दर्शन है, मेन दर्शन है, मैंने आपको कराया। दोस्तों, कहा जाता है ये जो माता का मंदिर आपने देखा, यहाँ माता जमीन से प्रकट हुई थी, मतलब जमीन से निकली हुई थी और यहाँ पर मंदिर बना दिया गया था। बहुत ही प्राचीन मंदिर आप देख पा रहे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा लाइक करना। अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया तो माता अंजनी माता आपके ऊपर कृपा बनाएंगे। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मंदिर में हम जाकर बजरंगबली का वीडियो बनाया, बजरंगबली बालाजी दरबार का वीडियो बनाया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं यही चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे वीडियो और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को समाप्त की ओर बढ़ते हैं। आपने देखा यहाँ पर छोटे बच्चे मंदिर प्रांगण में आते हैं और इनकी सामने माता टिकने से बड़े बड़े बीमारी बच्चों की दूर हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों आइए इस मंदिर में और अपने घर की बच्चों को लेकर आइए इस मंदिर पर, नहाइए और उस बच्चों को किसी भी प्रकार का अगर कोई परेशानी है तो बच्चा ठीक हो जाता है। अगर आप बच्चों को मान लीजिए कोई परेशानी नहीं है या कोई बीमारी नहीं है, आपको ऐसा लगता है आपको क्यों आना चाहिए ऐसे मंदिर, तो दोस्तों मैं वो भी कह देना चाहता हूँ, कोई अगर बीमार है तो भी आता है, नहीं है तो भी आता है, मंदिर का ऐसा महिमा है, आपके ऊपर कोई भी बाधा होता है, विपन्न होता है, वो मिट जाता है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजना। माँ अंजनी माता की द्वार पर हम आए हैं और आपको वीडियो दिखाया, पूरा लाइव लोकेशन दिखाया, लोगों से बातें कराया, यहाँ पर क्या क्या होता है वो भी आप लोगों को बताया। बहुत ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं और ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके बेल आइकन बटन को ऑल कर देना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय अंजनी माता की जय।